राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बुधवार को कक्षा पाँचवीं और कक्षा आठवीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परिणाम जारी होने के बाद से करीब 27 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। परिणाम डिजिटल रूप से जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्वयं दी। दोनों कक्षाओं के बोर्ड परीक्षा परिणाम उदयपुर में घोषित किए गए। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। राजस्थान बोर्ड पांचवी और आठवीं कक्षा के रिजल्ट में देरी सामने आई। परिणाम पहले सुबह 11 बजे होने थे, हालांकि परीक्षा के परिणाम दोपहर 12:30 बजे के आसपास डिजिटल माध्यम से घोषित किए गए। शिक्षा मंत्री कल्ला ने छात्रों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दिया। आखिरकार बोर्ड ने कक्षा पांचवी और आठवीं के परिणाम की घोषणा कर दी है। RBSE ने 27 अप्रैल से 27 मार्च 2022 तक कक्षा पांचवी की बोर्ड परीक्षाएं राज्य भर में कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। दोनों कक्षा में करीब 25 से 27 लाख छात्र शामिल हुए थे। यही वजह है कि पांचवी या आठवीं रिजल्ट का भी इंतजार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। कुल 12.76 लाख छात्राओं ने कक्षा आठवीं की परीक्षा दी थी, जबकि 14.53 लाख छात्रा ने कक्षा पांचवी की परीक्षा दी। जो भी छात्र कक्षा पांचवी और कक्षा आठवीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के बाद से ही ये सभी अपने परिणामों की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल राजस्थान बोर्ड आठवीं का रिजल्ट 95.59% रहा। आठवीं में कुल 12.63 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 94.97% छात्र और 96.30% छात्राएं थीं। इस बार का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा। इस परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों के लिए जल्द ही बोर्ड द्वारा स्पेशल एग्जाम या कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी। कक्षा आठवीं के छात्रों को मार्क्स के बजाय ग्रेड दिए गए हैं। राजस्थान बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ए से डी ग्रेड तक पाने वाले छात्र पास माने जाएंगे, जबकि E1 और E2 पाने वाले छात्र फेल माने जाएंगे। हालांकि यदि एक या दो विषय में E1 या E2 ग्रेड आती है तो कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा पाँचवीं और कक्षा आठवीं की वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। RBSE की ओर से कक्षा पाँचवीं और कक्षा आठवीं की वार्षिक परीक्षा 27 अप्रैल से 27 मई 2022 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। कोरोना महामारी के बचाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा का आयोजन सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया था। राजस्थान बोर्ड की ओर से सत्र 2019-20 और 2020-21 में दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं आयोजित की गई थी। सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। ऐसे 2 सालों बाद बोर्ड ने परीक्षा ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।